एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हमसा है। कैसे हैं आप लोग सब? ओके, आई होप पहली बात तो आप लोग सबने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ये है अबाउट टॉप 10 ट्रिक्स टू लूज़ वेट। ये डाइट नहीं है बदन, ये 10 ट्रिक्स हैं जो कि आपको अपनी डाइट, आप कोई भी डाइट फॉलो करिए दुनिया की, पर ये 10 चीज़ें आपको अपनी डाइट के साथ करना ही करना है ताकि आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो, नंबर वन। दूसरा चीज़, आपके जो रिजल्ट्स हो वो लॉन्ग लास्टिंग हो। जो लोग डाइट पे नहीं है बिना किसी डाइट भी ये चीज़ कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपका स्लोली स्लोली अपने आप वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। आप डाइट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप बस ये 10 चीज़ें फॉलो करिए, आपका वज़न अपने आप जल्दी जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। तो आइए शुरू करें। तो सबसे पहला जो पहली हमारी ट्रिक है वो है टू स्लीप ऑन टाइम। आप टाइम पे जाएंगे सोने। अब ये एक ट्रिक ऐसी है जो हर कोई इग्नोर कर देता है। उनको लगता है यार नींद से क्या होता है, नींद और डाइट का क्या कनेक्शन, नींद और वेट लॉस का क्या कनेक्शन। ट्रस्ट मी, नींद और वेट लॉस का आपके डाइट का सबसे मेन कनेक्शन है। जो लोग रात रात को जगते हैं, ऑफिस के काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं, ट्रस्ट मी वो कुछ बहुत ज़्यादा खाए ना खाएं, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेसिव ईटिंग नहीं भी की हो, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, उनको वेट गेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, उनको एक्ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना है, आपको रोज़ रात को टाइम पे सोना है। टाइम पे सोना इन द सेंस 10:30 से 11:30 के बीच में सबसे अच्छा टाइम होता है बॉडी के लिए सोने के लिए। तो आप कोशिश करिए 10:30 से 11:30 के बीच में तो सो ही जाएं। उसके पहले सोते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 10:30 to 11:30 के बीच में आपको रोज़ सो जाना है। सोना जल्दी है तो उठना भी जल्दी है। ओके, तो सबसे पहले हो गया हमारा स्लीप। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरह। हमारा वो है टी एंड कॉफ़ी। अब टी एंड कॉफ़ी मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप दूध वाली चाय पीना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, बट कोशिश करिए आप उसे लिमिट करिए टू 1 या 2 कप्स। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है ग्रीन टी। 2 से 3 कप ग्रीन टी आप पीजिए, ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी। अब बहुत सारे लोगों को ग्रीन टी से कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया होगा, बहुतों ने बहुत सारी ग्रीन टी पी होगी पर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया होगा। ग्रीन टी देखिए आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। तो अगर आप सही डाइट नहीं कर रहे हैं, सही एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इन दैट केस ग्रीन टी आप पे काम बिल्कुल नहीं करेगी, नंबर वन। अब ब्लैक कॉफ़ी जो है, ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा बेटर होती है अगर आपको वेट कम करना है, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी जो है ये नेचुरल फैट बर्नर है। तो अगर आप ग्रीन टी जिन्हें नहीं पसंद है या जिन पे वर्क नहीं कर रही है ग्रीन टी, तो इन दैट केस आप लेंगे ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी आप दिन में 2 से 3 छोटे शॉट्स लेंगे, या अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो इन दैट केस आप 2 से 3 ग्लास जो है ब्लैक कॉफ़ी की पीजिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा और आपका वज़न जल्दी कम होगा। तो स्लीप के बाद हम दूसरी बात आती है हमारी कैफीन की। जो कैफीन इनटेक हम थ्रू आउट द डे लेंगे, आपको इंक्लूड करना है ग्रीन टी एंड ब्लैक कॉफ़ी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा पानी आपको रोज़ सुबह उठ के 1 लीटर पीना है। 1 लीटर इसलिए पीना है क्योंकि आपकी बॉडी जब रात भर काम करती है, मैंने आपको पहले वीडियोज़ में ही बताया है, वो बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स जमा करती है, सिंपल भाषा में कचरा जमा कर देती है बॉडी जो पूरी रात काम करती है। उस कचरे को, उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आपको वेट कम करना है तो। वेट नहीं भी कम करना है तो उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, तो आप 1 सिप या 2 सिप पानी पियेंगे या बस थोड़ा पानी पी लिया और आपने कुछ और काम शुरू कर दिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका शरीर इतना बड़ा है तो आपको मिनिमम 1 लीटर पानी रोज़ लगेगा। जो भी लोगों को एक्ने या हेयर फॉल या बहुत सारी दूसरी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर रोज़ 1 लीटर पानी पियेंगे तो वो थोड़े दिनों बाद आएंगे और मुझे थैंक यू बोलेंगे। ओके, तो 1 लीटर पानी आपको रोज़ सुबह सुबह उठ के पीना है, नंबर वन। नंबर टू, आपको हर 1 घंटे में 1 ग्लास पानी पीना है। तो जैसे अगर आपने सुबह 8 बजे 1 ग्लास पिया, 9 o'clock 1 ग्लास, 10 बजे 1 ग्लास, तो हर 1 घंटे में आपको 1 ग्लास पानी पीना है। इस तरह आप पूरा दिन पानी पियेंगे, 1 लीटर इन द मॉर्निंग एंड 1-1 ग्लास पूरे दिन में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स मेनली होता है गेहूँ, मैदा और सफ़ेद चावल। अब आपको ये 3 चीज़ जितना हो सके आपको अवॉइड करना है, नंबर वन। नंबर टू, जिन लोगों को सिर्फ 5-10 किलो वज़न कम करना है, बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है, तो वो क्या करेंगे, अपने जो है जो भी क्वांटिटी, अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 खाएंगे, 3 खाते हैं तो 1.5 खाएंगे, तो आप उसकी रोटी की क्वांटिटी अपनी कम कर देंगे। रोटी की क्वांटिटी आप कम करेंगे और सैलेड की या सब्ज़ी की या चिकन मटन फिश जो भी आप खाते हैं उस चीज़ की क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप सैलेड की क्वांटिटी बढ़ाएंगे। ओके,
जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वजन कम करना है, लाइक 25, 30, 40, 50 किलो, इन दैट केस वो कोशिश करेंगे कि वो अपनी डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ज़ीरो कर दें जब तक उनका वज़न कम नहीं हो जाता, नंबर वन। नंबर टू, जिन लोगों को वज़न जल्दी भी कम करना है, जो चाहते हैं कि उनका 5-10 किलो ही ज़्यादा है पर वो चाहते हैं उनका जल्दी वज़न कम हो जाए, इन दैट केस भी आप अपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को ज़ीरो कर देंगे। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको जितना हो सके अवॉइड करना है। ओके तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शुगर। आजकल बहुत सारा ऑनलाइन चल रहा है कि आप शुगर मत लीजिए, डेट सिरप लीजिए, काला गुड़ खाइए, ये गुड़ खाइए, या मेपल सिरप ले लीजिए, ये सारी चीज़ें लीजिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शुगर हम मना इसलिए करते हैं क्योंकि शुगर होती है एम्प्टी कैलोरी। एम्प्टी कैलोरी मतलब क्या होता है, आपने शक्कर खाया, वो आपकी बॉडी में जाएगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा और आप मोटे हो जाएंगे। ये होता है शुगर का काम। शुगर का और कुछ काम नहीं होता, वो आपको कोई विटामिन, कोई मिनरल, कोई प्रोटीन, कोई कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं दे रहा है। शुगर आपकी सिर्फ बॉडी में जाएगा और आपको फैट्स देगा, इन शॉर्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फैट्स देगा। अब जो मेपल सिरप होते हैं, डेट सिरप होते हैं, गुड़ होता है, वो भी वही काम करते हैं जो शुगर करता है। ओके, शुगर मेपल सिरप हो गया या गुड़ जब लेते हैं तो वो भी वही काम करता है, वो भी आपकी बॉडी में जाएगा और फैट बन जाएगा। पर होता ये है, लोग इसलिए कहते हैं आप गुड़ लीजिए या मेपल सिरप लीजिए या डेट सिरप लीजिए, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप गुड़ खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुड़ खाते हैं, फैट वो बनेगा, वो बात ठीक है, पर उसके अलावा गुड़ में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिंस होते हैं। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि आप शक्कर मत खाइए, शक्कर की जगह आप खाइए गुड़, क्योंकि आप खा रहे हैं, वज़न तो एक चीज़ है पर दूसरे फ़ायदे भी तो आपकी बॉडी को चाहिए ना, तो वो सारे फ़ायदे आपको गुड़ से मिलते हैं। सेम गोज़ विथ डेट सिरप। डेट जो होता है वो खजूर से बनता है, डेट सिरप जो होता है खजूर से जो बनता है, तो वो अगेन वो आपकी बॉडी में इतने मिनरल्स और विटामिंस और बहुत सारे दूसरे फायदे करता है। ओके, तो जिन लोगों को वज़न कम करना है उन लोगों को ये दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है, आप शक्कर खाइए या डेट सिरप खाइए या गुड़ खाइए, वज़न तो आपका दोनों ही बढ़ाएगा। तो आजकल बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वज़न कम करने के लिए वो शक्कर छोड़ देते हैं, ओके, और शुरू कर देते हैं डेट सिरप या गुड़ खाना या ये सारी चीज़ें। ये चीज़ें बहुत अच्छी है आपकी बॉडी के लिए, पर जब तक आपको वज़न कम करना है तब तक आपको इसे अवॉइड करना है। एक बार आपका वज़न जब कम हो जाएगा, इन दैट केस फिर आप गुड़ इंक्लूड करिए, डेट सिरप इंक्लूड करिए, मेपल सिरप इंक्लूड करिए, बहुत सारे चॉइसेस हैं। ओके, तो इन शॉर्ट गुड़ हो या शक्कर हो, दोनों आपकी बॉडी में जाके आपका वज़न बढ़ाएगा ही। तो इन शॉर्ट, जब आप वेट कम करना चाह रहे हैं, आपको ज़ीरो शुगर मतलब होता है ज़ीरो ये सारी चीज़ें भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपको अपना जो भी लास्ट मील है वो 7:30 to 8 के बीच में ख़त्म कर देना है। 8:30 के बाद कोशिश करिए आप कुछ भी नहीं खाएं, आपको भूख लगी हो तो थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सुबह सुबह उठ के जब आप पानी अपना पी लेंगे, उसके बाद आपको वॉक करनी है फॉर अराउंड 30 to 45 minutes डेली। ओके, आप जैसे ही आपका पानी ख़त्म होता है 30, 40, 50 minutes जितने मिनट आप वॉक कर सकते हैं आप वॉक करेंगे, उसके बाद ही अपना नाश्ता करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, पूरे दिन में जितनी कोशिश हो सके हर एक घंटे में, हर डेढ़ घंटे में 5 से 10 minutes आप वॉक करिए ही करिए। तो जैसे अगर आपने 10 बार 5-5 minutes की वॉक की तो सुबह आपका 45 minutes का वॉक हो गया, और पूरे दिन में आपने और 5-5 minutes की वॉक करके और एटलीस्ट आप 1 घंटा एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो आपके पूरे दिन में हो जाएगी 2 घंटे की वॉक, जिससे आपका वज़न बहुत अच्छे से कम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसमें आपको ये करना है कि आपको प्रोटीन का इंटेक अपना हाई करना है। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, चिकन, एग्स, फिश, मटन, सी फूड, जो भी आप खाना चाहें, पर वेजिटेरियंस के पास प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है उनके फूड चॉइसेस में। मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट, जो लास्ट वीक मैंने बनाया था अबाउट वेजिटेरियन मील प्लान, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन के ऑप्शंस मैंने इंक्लूड किए हैं, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको बहुत सारे चॉइसेस मिल जाएंगे जहां आपको हाई प्रोटीन आपकी बॉडी में मिल जाएगा। तो प्रोटीन इंटेक आपको ऊपर करना है और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक आपको नीचे करना है, जिससे आपका वेट ज़रूर कम हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। वेट बढ़ने का एक बहुत मेजर रीज़न स्ट्रेस भी होता है। हम बहुत सारे लोग डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं रात रात तक जग जग कर, पूरे दिन ऑफिस का स्ट्रेस होता है, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, उससे भी आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि आप डेली मेडिटेट करिए। जो चाहते हैं मैं उनको मेडिटेशन ऑप्शन बताऊँ किस तरह करना है, ईजी मेडिटेशन ऑप्शन एट होम,
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। पर डेली आप कोशिश करिए जहां आप एटलीस्ट 10 to 15 minutes अकेले रहिए, शांति से रहिए और अपना दिमाग शांत रखिए, और 10 to 15 minutes आप डेली मेडिटेट कीजिए ही कीजिए। इससे आपका वेट भी बहुत कम होगा, आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है जिससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस हो रहा है आपको, वो भी आपका लो होगा और उससे आपका वजन जल्द ही कम हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। ओके जी, लास्ट पॉइंट है हमारा होम रेमेडीज़। बहुत सारी होम रेमेडीज़ ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, इंडिया में तो हम बस घरेलू नुस्खों पर ही चलते हैं, एशियन कंट्रीज़ में खास करके। तो आपको कोशिश करनी है बहुत सारी होम रेमेडीज़ करनी है जो आप डेली करेंगे। जो मेरी पर्सनल होम रेमेडीज़ है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दी है, उसे जाकर देखिए और वो होम रेमेडीज़ डेली फॉलो करिए। जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये ज़रूरी नहीं है आप एक साथ करिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, डेली 1 से 2 चीज़ों से आप शुरू करिए। एंड आपको इसको अपने लाइफस्टाइल में लाना है कि थोड़े दिनों बाद आपको ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा ना लगे लाइफ में, आपको आपकी ज़िंदगी का इसे आपको इन शॉर्ट हिस्सा बनाना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपको करना है लाइक, और भी अच्छा लगा है तो आपको मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्त या रिश्तेदार सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।